और डुगु जी कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आगे चल के आपको पता चलेगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ दिवाकर और डुगु एक मोबाइल की कैमरे की टेस्टिंग कर रहे हैं कि कैमरा कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, क्या है, क्यों कर रहे हैं, ऐसा आगे पता चलेगा आपको। मार्केट में आ चुके हैं और मार्केट में आने के बाद हमने एंट्री लिए एक सैमसंग का, यहाँ पे लक्ष्मी कम्युनिकेशन करके स्टोर है, वहां पे एंट्री की है। अंदर एंट्री करते ही हमें एक दीपक नाम के पर्सन है, इन्होंने ट्रीट किया, क्योंकि जो कि सैमसंग के एम्प्लॉय हैं, और इन्होंने हमें सैमसंग के बहुत सारे मोबाइल, बहुत सारे मॉडल्स दिखाने शुरू किए जो जल्दी में लॉन्च हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं एक सैमसंग का मोबाइल खरीदने। जरूरत क्यों पड़ी है मोबाइल खरीदने की, क्योंकि जैसे सभी को पता है कि मैंने 2 दिन पहले ही मोबाइल लिया है रेडमी का, तो फिर अचानक से इतनी जरूरत क्यों पड़ गई है। रेडमी का मोबाइल मैं किसी को गिफ्ट कर रही हूँ, किसी एक अपने खास को गिफ्ट करना है मुझे, तो मैं रेडमी का मोबाइल उनको गिफ्ट कर रही हूँ, और जब मैं उनको वो रेडमी न्यू वाला गिफ्ट कर रही हूँ, तो मुझे भी एक मोबाइल की जरूरत है वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब पे, तो वही वीडियो के पर्पज से मुझे एक सैमसंग का मोबाइल लेना बहुत जरूरी है। सैमसंग ही क्यों ले रही हूँ, इसका भी रीजन है। आजकल आप सभी को पता है कि बहुत सारे मोबाइल मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग बाग उसमें ना एक ब्यूटी का ऐसा कैमरे में डाल देते हैं, ब्यूटी का एक ऐसा ऑप्शन डाल देते हैं, या फिर पता नहीं क्या डाल देते हैं, ऐप डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, कि उनके सारी जो वीडियोज होती हैं या फिर फोटोज होती हैं वो इतनी स्मूथ होती हैं, इतनी ज्यादा ब्राइट होती हैं कि फेक लगती हैं देखने में, लगता है कि ये फेक है। मतलब ऐसा इंसान सच में ऐसा हो ही नहीं सकता कि चेहरे पे कोई दाग ना हो, धब्बा ना हो, बहुत सफेद सफेद सा चेहरा हो, बहुत गोरे दिख रहे हो आप, ऐसा एक्चुअलिटी में होता नहीं है, क्योंकि मुझे ये फिटनेस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं सैमसंग बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, तो सैमसंग में थोड़ा सा ये वाली चीज कम होती है, इसलिए मैं सैमसंग परचेज करने आई हूँ। मोबाइल हमने यहाँ पे पसंद कर लिया है, हमने पसंद किया है J6 सैमसंग का, और बस उसी के थोड़े बहुत फंक्शन जो है वो ये जो भैया है वो बता रहे हैं हमें, और हम लोग समझ रहे हैं, दिवाकर जी स्पेशली रैम वगैरह जो भी होती है इसके अंदर सब कुछ वो देख रहे हैं। मोबाइल पसंद आ गया, बिलिंग काउंटर पे खड़े हैं, दिवाकर बिलिंग करवा रहे हैं, और डुगु जो है यहाँ पे एक मोबाइल का डमी रखा हुआ था उसके साथ खेल रहा है मोबाइल समझ के, और बिलिंग वगैरह हो जाती है। तो इन लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इतना, मतलब इतना ज्यादा जोर कैमरे के ऊपर क्यों दे रहे हो, कैमरे के मतलब होता है ना और भी फंक्शन जाने चाहिए, का कैमरे के ऊपर क्यों इतना जोर दे रहे हो, तो रीजन हमने इन्हें बताया कि हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो उसके लिए हमें कैमरा अच्छा चाहिए। इन्होंने हमारा चैनल देखा, उसके बाद हमसे कहा कि आप प्लीज अगर आपको सैमसंग पसंद आता है तो प्लीज हमारे बारे में भी आप सैमसंग के बारे में कुछ बताइए। वैसे मैं आपको बता दूं, सैमसंग मैं 7 से 8 साल हो गए यूज करते हुए, सैमसंग मेरा बहुत फेवरेट मोबाइल है, बहुत फेवरेट मोबाइल है, मतलब बता नहीं सकती हूँ। मैंने सैमसंग या फिर नोकिया यूज किया है स्टार्टिंग में, या फिर सैमसंग यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी सिम वगैरह जो है उसे थोड़ा सा और छोटा कट करवाना पड़ रहा है, तो वो सिम वगैरह अपने पुराने फोन से निकाल के नए वाले फोन में डाल रही हूँ, और मोबाइल यहीं पे चालू हो जाएगा हमारा। और ये जो भैया है ये सबके सामने मुझे फोन, जिन्होंने मुझे ये हमें कन्विंस किया था ये फोन लेने के लिए, वो दे रहे हैं, बट थोड़ा सा क्या हो रहा है ना कि शूट अप डाउन हो जा रहा है, कभी कैमरा ऑन नहीं हो रहा है वो बोल दे रहे हैं, तो कभी कैमरा ऑन हो जा रहा है तो पीछे हो जा रहे हैं, तो क्योंकि ही इज नॉट अ कैमरा पर्सन। हे गाइस, हियर मिस सोनिया एंड मैं हूँ अभी या सैमसंग स्टोर में, और हिज नेम इज दीपक मल्होत्रा, एंड इन्होंने दिया है हम पर, अब इन्होंने दिया, हमने परचेज किया एक मोबाइल यहाँ से जो हमें ट्रीट किया है, एंड हिज सेज कि मैम आप हमें थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए यूट्यूब पे, और बिकॉज सैमसंग, आई एम अ बिग फैन ऑफ सैमसंग, बिकॉज पहले का मोबाइल ही मेरा सैमसंग ही था और अभी भी सैमसंग है, सो दैट्स हमें भी दिखाओ, सो दैट्स व्हाई काफी अच्छा फोन है जी मैम, काफी अच्छा फोन है अपना। और आपने जैसा कि अभी रेडमी वापिस करके मैम आपने सैमसंग पे दोबारा भरोसा जताया, हमें बहुत अच्छा लगा, मैं आपको 100 बार इसके लिए धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक्स मैम, थैंक्स टू यू कि मुझे ही बताया, वैसे मैं इनके पूरे एक बार एवरीवन से हाय, से हाय एवरीवन, से हाय, सो सो गाइज मैं आ गई हूँ वापस, और सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, हे गाइज और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ कि समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ मैं, तो
इग्नोर कर देना ठीक है। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने दो दिन पहले ही एक या दो दिन पहले ही मैंने ये मोबाइल लिया है न्यू रेडमी का, जो कि अमेजोन से लिया था। बहुत अच्छा मोबाइल है नो डाउट, कैमरा बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। करवा चौथ व्लॉग आपने मेरा देखा ही था, इसी से शूट किया था मैंने। बट पता नहीं क्यों यार, मैं ना थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी रेडमी को लेके, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट मैं नहीं हो पा रही थी। तो क्योंकि मैंने शुरू से सैमसंग यूज़ किया है, आई एम अ बिग फैन ऑफ सैमसंग, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं सैमसंग लेना चाहिए था। तो मैंने फाइनली लिया है सैमसंग का J6, जो कि मैंने जस्ट अभी ख़रीदा है, और ये भी मुझे दिवाकर जी ने दिया था। तो फाइनली हमारे पास अभी दो फ़ोन हैं, इसमें से एक फ़ोन हम गिफ्ट करने वाले हैं, बहुत ही स्पेशल इंसान को गिफ्ट करने वाली हूँ। कब कर रही हूँ, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, है ना। तो एक फ़ोन मतलब ये मेरे वीडियोस के लिए हो गया और ये गिफ्टिंग के लिए हो गया है रेडमी का। दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, बस ये थोड़ा सा सस्ता है इससे, ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, बट क्योंकि ये ऑन सेल था तो थोड़ा सा हमें 19-20 का फ़र्क पड़ा है। बट दोनों ही मोबाइल बहुत ऑसम हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो एक्साइटेड हूँ, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि अब मेरी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आप लोगों को और मज़ा, वीडियो देखने में आप लोगों को आने वाला है थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ा, क्योंकि क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो मज़ा तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। सो इसलिए मैंने ये सब धमाल कर डाला आप लोगों के लिए, और नॉट इवन मी, सिर्फ मैंने नहीं किया है, मेरे साथ ये इसमें दिवाकर जी का बहुत बड़ा शेयर है, मतलब बहुत बड़ा शेयर है कि वो एग्री हुए, उन्होंने मेरी बात को रिस्पेक्ट किया और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम सैमसंग की तरफ इतना ज़्यादा जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ। तो इसलिए तो फाइनली दो मोबाइल्स की मालकिन हूँ, एक गिफ्ट करने वाली हूँ किसी को, नहीं करो डुगो, और एक अपने पास रखने वाली हूँ। सो बस यही सब हो रहा है और एक्साइटेड हूँ और मज़ा आ रहा है। शाम की शुरुआत, वैसे मैं चाहती थी मैं दिन में ही शूट व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, बट मैंने नहीं किया था, मैंने सोचा था कि ये इस वाले फ़ोन से शायद मैं लास्ट क्लिप बना रही हूँ, सिर्फ एक क्लिप बना रही हूँ इस वाले पुराने वाले सैमसंग से, इसके बाद आपको नए वाले सैमसंग से मिलेगा मेरा वीडियो, होपफुली अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं और अब चलते हैं थोड़ा सा काम धाम की तरफ, और अभी मैं कहीं जा रही हूँ, वहाँ से आऊँगी उसके बाद शूट करूँगी, क्योंकि जब मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए शूट करना, तो वहाँ से आने के बाद मैं ब्लॉग शूट करूँगी और फिर दिखाऊँगी मैं क्या कर रही हूँ आज की शाम में, ठीक है। शाम के बज रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 7, चलो चलते हैं फिर। सो गाइस फाइनली मैं अभी अपने घर आ गई हूँ वापस, मैं डुगू दिवाकर जी हम सब वापस आ गए हैं, और हम जहाँ गए थे वहाँ से हम डिनर करके वापस आए हैं, रात में बज रहे हैं 11, और आज मैं लाइव नहीं गई क्योंकि थोड़ा सा मूड टाइप ऐसे था, तो इसलिए लाइव नहीं गई आज मैं। और अभी फाइनली ये जो शूट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ मैं J7 है आई थिंक, ये J6 है पता नहीं, J6 से सैमसंग J6 से शूट कर रही हूँ मैं। आई होप अच्छा लग रहा होगा इसमें, मतलब पहले से क्वालिटी थोड़ी बहुत अच्छी हुई होगी ना। ओके सो बस सोने की तैयारी हो रही है, क्योंकि सुबह दिवाकर का मॉर्निंग शिफ्ट है 7 बजे अगेन, तो सोना पड़ेगा जल्दी। और डुगू बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है, बट ओके और ज़्यादा कुछ काम है नहीं, और थोड़ा सा दिन में थक भी गए हैं साफ सफाई में, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो इसलिए अभी हम सोने चलते हैं, निंद्रा आ रही है तो नींद के पास चलते हैं। और सोए डुगू आ गया, हाय बोल दो, हाय। ओके तो हाँ, तो अभी हम सोने की तरफ चलते हैं, सुबह मिलूंगी मॉर्निंग में अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी एनर्जी के साथ, एक गुड मॉर्निंग के साथ। तो अभी के लिए स्वीट ड्रीम एंड गुड नाइट, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट। अच्छा गुड बोलना, गुड कैसे होता है, गुड कैसे होता है, ऐसे। चलिए
सो गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सुबह का टाइम है, मतलब बिल्कुल सुबह तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि दिवाकर जी ऑफिस जा चुके हैं और उसके बाद हम सो गए थे 2 घंटे और। तो लमसम मैं 8:30 बजे लमसम उठी हूँ सो के, और उसके बाद देखा तो लाइट नहीं थी और अभी बज रहे 10:30 सुबह के। यम्मी है 10:30 बज रहे हैं सुबह के और अभी भी लाइट, मतलब जस्ट आप कह सकते हो कि अभी जस्ट आई है और मैंने कैमरा उठाया है। बिना लाइट के तो हम लोग की जिंदगी, हम लोग शहर में रहते हैं और हमारी जिंदगी बिना लाइट के बिल्कुल थम जाती है, बंद हो जाती है आप कह सकते हो। सल्यूट है यार उन लोगों को जो लोग गाँव में रहते हैं बिना बिजली के, जिन्होंने अपनी जिंदगी काटी है। और आज भी बहुत सारे गाँव इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे लाइट प्रोवाइड नहीं की जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं है वहाँ पे लाइटिंग, लेकिन अपनी ज़िंदगी को, अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। अपने सारे काम अपने टाइम पे करते हैं, टाइम पर सोना, टाइम पर जगना, एवरीथिंग उनका टाइम पे होता है। तो सल्यूट है यार उनको, बिग सल्यूट है उन सभी को, क्योंकि हम लोगों के लिए लाइट जाना मतलब सब कुछ ख़त्म सा हो जाना। और मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और प्लीज कमेंट करके जरा बताइएगा कि किस किस के घर में लाइट जाती है, सारे काम बंद हो जाते हैं, क्योंकि मेरे घर में हो जाते हैं, लाइट जाती है। आप किचन में अंधेरा रहता है, कुछ कर नहीं सकते हो। बाय द वे मेरा इन्वर्टर नहीं है तो अब ये मत बोलिएगा इन्वर्टर चला लो, ठीक है। तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कि क्या लाइट जाते ही आपके भी सारे काम मेरी तरह ठप हो जाते हैं, या फिर अगर आप डेफिनेटली बाहर जाते हो और वर्किंग हो तो आप तो अपना काम करते ही रहोगे, लेकिन हम लोग घर का जो लोग हाउस वाइफ्स हैं, एक तो जो लोग वर्किंग हैं घर के लोग, उनको ऑफिस भेजना टाइम पे बिग टास्क, अपना और सारा काम निपटाना और भी बड़ा काम है क्योंकि नहीं हो पाता यार। तो डुकू को मैंने दिया है चॉकलेट फ्लेवर मिल्क चॉकलेट वाला, और कॉल आ रहा है किसी का, रुक जाइए बट मैं कट कर देती हूँ। यस कट कर दिया। किसी का क्या, दिवाकर जी का आ रहा था। डुकू ने चॉकलेट मिल्क शेक पी रहा है और मैंने दिवाकर जी को रोटियां बना के दे दी थी सुबह में, और मैंने अभी भिगो दिए हैं यहाँ पे चावल बनाने के लिए। तो मैं चावल बनाऊंगी इस टाइम मॉर्निंग में, और ये मैंने अभी डुकू का फ्लेवर मिल्क बनाया था ना, तो ये इसलिए मैंने हर्षी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। बर्तन अभी जस्ट धो के रखे हैं मैंने, जस्ट अभी साफ किए सारे बर्तन, क्योंकि अगेन लाइट नहीं थी तो कैसे होता सारा काम, और मोटर भी नहीं चल पाई बहुत देर तक, तो पानी भी नहीं था लाइट ना होने की वजह से। कितना कुछ रुक जाता है यार, पानी नहीं होता है, बत्ती नहीं हो तो घर के काम नहीं होते हैं, बहुत कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो बस यही सब चल रहा है, चावल बना लेती हूँ, खा लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भूख लग रही है। रात में हम कहीं खाना खा के आए थे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं खा पाए थे। और अच्छा, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कहीं खाना, मतलब कहीं जाएं डिनर पे या लंच पे तो मतलब पेट भर के ना खा पाएं, संकोच के मारे, या फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करें कि यार अब मैं कितनी बार बोलूँगी, मुझे थोड़ा सा और दे दो और पेट ना भरे और फिर घर आके बोले कि नहीं यार कुछ बना लो। क्योंकि मेरे साथ तो कई बार होता है, कई बार दिवाकर जी भी ऐसा करते हैं, और कई बार जैसे कि कल मैं, हालांकि ये नहीं कहती कुछ बना लूँ, मैं सोचती हूँ चल ठीक है सो जाते हैं सुबह खाएंगे अब, तो वो वाला सीन मेरे साथ हो चुका है। तो मुझे भूख लग रही है अभी बहुत सही वाली, और मैंने दूध वगैरह कुछ नहीं पिया है क्योंकि दूध लेने जाना है, अभी दूध मेरे घर में आया ही नहीं है, इसलिए मैं चावल बना रही हूँ। और दिवाकर जी के लिए सब्जी बनाई थी तो उस सब्जी से मैं सब्जी चावल मिक्स करके खा लूँगी, ठीक है ना। चलो फिर करते हैं, बनाने जा रही हूँ यहाँ पे सिंपल जीरा राइस, या फिर मटर राइस भी बोल सकते हो। डाल दिए हैं मैंने गरम कढ़ाई में तेल डाल दिया हल्का सा 2 चम्मच, और उसके अंदर डाले मैंने खड़े मसाले, तेजपत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जीरा। पकने दूंगी इतने में, अच्छे से चटक जाएंगे सारे के सारे मसाले, तो डाल दूंगी चावल इसमें, जो कि मैंने आधे घंटे तक सोक करके रखा हुआ था, आधे घंटे से बहुत ज़्यादा तक रखा हुआ था। सारा कुछ मिक्स कर लूंगी, मिक्स करने के बाद अच्छे से उसमें डाल दूंगी मैं मटर भी मिक्स कर लूंगी मैं, और मटर मिक्स करने के बाद डाल देंगे पानी डालने के बाद क्या करते हैं मैं पहले इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, ठीक है। तो मटर मिक्स करने के बाद डाल देंगे पानी अकॉर्डिंग योर नीड, कि कितनी ज़रूरत है आपको इसमें पानी की, और पानी डालने के बाद इसको हम नमक डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार, और उसके बाद इसको हम ढक के पका लेंगे 10 से 15 मिनट। चावल आपके बिल्कुल धीमी धीमी आँच पे पक जाएंगे,
ठीक है। अब मैं इतनी जल्दी जल्दी बात खत्म करने के बाद और क्या बताने वाली हूँ। देखिए चावल बनाने के एक्चुअली मैं 3 से 4 तरीके से चावल बनाती हूँ। ये तरीका जो है वो फैट वाला तरीका है। ये इस तरीके से चावल खाने से आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जी हाँ बिल्कुल बढ़ सकता है। और मेरे पास और भी ऐसे तरीके हैं जिस तरीके से अगर आप चावल बनाएंगे तो आपका वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, बल्कि टेस्ट भी आएगा, स्वाद भी रहेगा, मतलब हेल्थ भी स्वाद भी वाला है ना जो हिसाब किताब वो रहेगा। तो अगर आप उस तरह से चावल बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। जब मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ तो मैं उसी तरीके से चावल बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मेरे पास भूख ज्यादा लगी थी, टाइम बहुत कम था, बत्ती बार बार लाइट मतलब लाइट जो बार बार आ रही जा रही थी, तो नो चॉइस गाइस मुझे इसी तरीके से बनाना पड़ गया था। ठीक है ना, अगर आप उस तरीके से चावल सीखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं बहुत तरीके से आपको चावल बनाना बता सकती हूँ। सो फाइनली मेरा चावल मेरे बन रहे हैं। और पता है चावल मैंने आपसे लास्ट वीडियो जो बनाया था ऑलमोस्ट 1.5 घंटे पहले बनाया था, क्योंकि जैसे ही मैंने व्लॉग शूट करके रखा 2 मिनट बाद फिर से लाइट चली गई, और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले आई है। तो मतलब लाइट बहुत बार जा रही है, बहुत बार आ रही है, और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि जो व्लॉग मैं अभी शूट कर रही हूँ ये मुझे एडिट करके अभी डालना भी है, और अगर लाइट ऐसी आती जाती रही तो मैं एडिट करके नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि वाईफाई लाइट नहीं रहेगी तो वाईफाई नहीं चलेगा, तो व्लॉग कैसे जाएगा आप लोगों के पास। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा आप नहीं कर सकती इस व्लॉग को, क्योंकि मुझे लाइट पे इतना सा भी भरोसा नहीं है। इसलिए मैं इस व्लॉग को अभी यहीं पे एंड करती हूँ। चावल बन रहे हैं, बन जाएंगे तो हम लोग खा लेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी, हो सकेगा तो इवनिंग से, हो सकेगा तो आफ्टरनून से, जब भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। और अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और कॉमेंट तो करके बताइएगा ही कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग। और डुगू जो है खेल रहा है, आओ बाय बोल दो, वो वहीं से बोल रहा है बाय। ओके, तो इस व्लॉग को करते हैं एंड, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।